दूसरी बार माता पार्वती जी ने शंकर जी से कोई प्रश्न नहीं किया, मेरा धर्म पत्नियों से निवेदन है, तुम्हारे पति से तुमने एक प्रश्न किया और उसका उत्तर अगर वो नहीं दे रहे हैं तो तुम मौन हो जाओ, चुप हो जाओ, पीछा मत पकड़ना। पर तुम्हारी आदत इतनी विचित्र है, जब तक उस बात के पीछे तुम्हारी लड़ाई नहीं हो जाए तब तक तुम वो बात कभी खत्म करती ही नहीं। उसके पीछे जब तक विवाद ना हो जाए तब तक वो बात खत्म नहीं होती। पर शिव महापुराण अपने चरित्र का वर्णन करते हुए कह रही है, शिव तत्व का चरित्र का वर्णन करते हुए कह रही है कि जब एक बात का प्रश्न, एक प्रश्न तुमने किया और तुम्हारे पति ने उत्तर नहीं दिया तो हो सकता है वो उत्तर बाद में दे, हो सकता है उस उत्तर के लिए तुम ठीक नहीं हो सकता है उत्तर के लिए वो समय ठीक नहीं है, हो सकता है उत्तर के लिए वो स्थान ठीक ना हो सकता है वो उत्तर तुम्हारे लिए ना हो, इसलिए उसने नहीं दिया। पर आपसे निवेदन है, आप पीछा पकड़ कर मत देखो। कई कई माताओं की आदत होती है, कई कई आवाज पकड़ रहा है, गला पकड़ रहा है, कई कई माताओं की आदत रहती है पीछे के गए हुए लोगों को ज्यादा वो उखाड़ते हैं, पीछे का जो समय चले गया ना उसको उखाड़ते हैं। वो तो मैं उस दिन से जानती हूँ जिस दिन से शादी करके आई हूं ना, 3 दिन नहीं हुए थे और तुम्हारी बहन ने मेरे साथ जो जो करा है ना मैं सब मालूम है मेरे को। अब जब लड़ाई होती है तब वो 3 दिन, उसके पूरे 70 साल की हो गई पर वो 3 दिन खत्म नहीं, 3 दिन उसके चालू। अब मेरे महादेव जी ने क्या करा, केवल चरण के तलवे को स्पर्श किया था मेरी मां ने, केवल चरण को स्पर्श, और शिव जी ने कह दिया, गौरा ए गौरा ए हिमालय सुता ए विनायक की महतारी ए षडानंद कार्तिकेय की मां, जगत का भरण पोषण करने वाली हे जगत जननी, तुमने 3 प्रश्न मुझसे किए, अब प्रश्न ही कराए मेरी माता ने, केवल एक बार प्रश्न कर मेरी माता भूल गई और भूलने के बाद मेरी मां महादेव के चरण के उस रज को, उस नीचे तलवे को केवल स्पर्श करी और शिव जी ने उत्तर देना प्रारंभ कर दिया। सुनो हिमालय सुता, सुनो गोरा, सुनो हे जगत धात्री जगदम्बा हे दुर्गा, सुनो तुम्हारा पहला प्रश्न था कि मैं भोजन की थाली के सम्मुख बैठा तो नंदी को क्यों देखा, किस लिए देखा और नंदी ने मुझे देखकर अपने शीश को क्यों हिलाया। सुता हे हिमालय सुता, उसका केवल एक उत्तर है, मेरे को लोग विश्वनाथ कहते हैं। विश्वनाथ का मतलब तुम जानती हो, विश्वनाथ का मतलब तुम्हें मालूम है पार्वती? पार्वती जी कहती हैं, हां जो विश्व का नाथ, शिव जी ने कहा पार्वती कोई 7 ताले में भी बंद हो जाए ना, मेरे भोजन के पहले कोई 7 ताले में भी बंद हो गया, मेरे भोजन के पहले उसके पेट भरना चाहिए। विश्वनाथ का मतलब है कोई अनाथ ना रहे, सबका उदर पोषण हो, सबका पेट भरे। जब तू थाली रखती है मैं नंदी को देखकर पूछता हूँ, क्या सारे संसार के जलचर थलचर वायुचर कितने, एक भेल मछली है, एक बड़ा सा हाथी है, एक बड़ा सा जानवर है, एक बड़ा सा जीव है, हजारों मछलियां करोड़ों जीव उसको खाते हैं एक साथ, उसके पेट भरने में, एक बड़ी भेल मछली का पेट भरने में हजारों टन भोजन लग जाता है। तो महादेव पूछते हैं, भगवान देव पूछते हैं, भगवान शिव पूछ रहे हैं,
पार्वती, मेरा नाम विश्वनाथ है, मेरा नाम विश्वनाथ है, मैं नंदी से पूछता हूँ, क्या सबका पेट भर गया? जब सबका पेट भर जाता है तब मैं फिर भोजन को ग्रहण करता हूँ, क्योंकि घर का पिता भोजन करने बैठता है या तो पिता या माता, दोनों में से एक ऐसे होते हैं जो सबको भोजन कराने के बाद अमृत बनाया है, खीर बनाई है, दाल बाटी बनाई है, पहले घर की बूढ़ी माँ घर का बड़ा व्यक्ति सबके लिए पूछेगा, क्यों छोटा बेटा खा गया, बड़ा बेटा खा गया, वो पोते ने खा लिया, नाती ने खा लिया, पंती ने खा लिया, सबका पेट भरता है, उसके बाद फिर अपना पेट भरता। मैंने नंदी से पूछा क्या सबका पेट भरा गया, नंदी ने शीश लाया, ठीक है। अब मुझे दूसरा प्रश्न का उत्तर जो था, देवाधिदेव महादेव ने कहा, सुनो पार्वती जी, जिस समय तुम जल का पात्र लेकर आई थी, उस जल के पात्र को जब मेरे सामने लाकर दिया था तो मैंने ऊपर अपने नेत्रों को करा, हाथ उठाए, नेत्रों से मैंने ऊपर देखा, उस समय में मां गंगा से पूछ रहा था, गंगा, ए गंगा, तेरे तट पर आए हुए जीव या जिसने एक बार मुख से हर हर महादेव कहा हो, जिसने बम बम भोले कहा हो, जिसने भूल वश ओम नमः शिवाय कहा हो, जिसने भूल से भी मेरे मंदिर के सामने से निकल कर चला गया हो, जो भूल से भी मेरे मंदिर की ओर मुड़ कर देख लिया हो, जो भूल से भी मेरे मंदिर की रज उड़के जिसके सिर पर चली गई हो, तो महादेव कह रहे हैं मैं गंगा से पानी पीने से पहले पूछ रहा था, क्या तूने उन सभी जीवों का कल्याण कर दिया? जब गंगा का इशारा हुआ तब मैंने जल का पान करना प्रारंभ करा। शिव गंगा से पूछते हैं, और तीसरा प्रश्न का उत्तर, तीसरे प्रश्न का उत्तर महादेव कह रहे हैं मैं बाहर गया, नेत्र बंद कर थोड़ी देर खड़ा हो गया, तब शंकर भगवान कहते हैं उस समय पर मैं बाहर खड़े होकर मेरे इष्ट मेरे राम को याद कर रहा था और उनको धन्यवाद दे रहा था कि तूने मुझे जो कार्य सौंपा है विश्व के भरण पोषण का, वो मैंने सुचारू रूप से कर दिया, उसके लिए तेरा धन्यवाद। केवल एक मेरा देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं, पार्वती मैया जब भोजन परोसती है, काकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी पावे भोला नाथ, मन शिव रखो रे, छोड़ दो कपट मन शिव रखो रे, काकड़िया की रोटी बनाई और काकड़िया की साग। पार्वती जी जब जब भोजन बना के तैयार रखती हैं, शंकर भगवान के सामने थाली आती है, शिव जी के सामने जैसी थाली पहुंची, बाबा भोलेनाथ जी के सामने जैसी पात्र आया भोजन का, शंकर भगवान सबसे पहले भोजन करने से पहले नंदी की ओर देखते हैं, नंदी शिव जी की ओर देखता है, तब पार्वती जी तीन बार भगवान महादेव से प्रश्न कर चुकी, ऐसा क्या कारण है कि मैं भोजन बनाकर तुम्हारे सामने रखती हूँ और नंदी की ओर तुम मुड़कर देखते हो? भोजन में कोई कमी रह गई, भोजन में नमक रह गया, भोजन में मिर्ची रह गई, भोजन में घी रह गया, भोजन में क्या कमी रह गई कि मैंने थाली रखी और तुमने नंदी की ओर देखा, ऐसा है क्या? पति भोजन करने बैठे और पत्नी ने थाली लगा के रखी और पति अपना मोबाइल देखता रहे तो पत्नी को गुस्सा नहीं आएगा? तुम्हारा मोबाइल जरूरी है कि भोजन जरूरी है? किससे चैटिंग चल रही है, क्या है ये, किससे बात चल रही है, क्या हो गया ये मोबाइल में क्यों लगे रहते दिन भर? भोजन की थाली सामने रखी है ना,
माता पार्वती जी ने शिव जी के सामने भोजन की थाली रखी और भगवान शंकर भगवान ने नंदी की ओर मुख कर कर देखा। जो नंदी की ओर देखा तो पार्वती जी ने गुस्सा कर दिया। माता पार्वती जी बोली, प्रभु एक बात बताओ, मैं रोज भोजन की थाली लाती हूँ और आप भोजन की थाली देखकर नंदी की ओर देखते हो, ऐसा है क्या? भोजन करते समय आप नंदी की ओर क्यों देखते हो? क्या मेरे भोजन में कोई कमी है? क्या मेरे बनाने में कोई कमी है? क्या मैंने जो भोजन बनाया वो श्रेष्ठ नहीं बनाया? इसमें क्या कमी रह गई, इसमें क्या कमी है? पार्वती मैया के तीन प्रश्न है भोजन करते हुए देवदीदी महादेव से, तीन प्रश्न लिंग पुराण के, स्कंद पुराण के, कुर्म पुराण के और ब्रह्म विवर्त पुराण के, ये तीन प्रश्न भारी है। और एक प्रत्येक नारी के जीवन के ये तीन प्रश्न बड़े भारी होते हैं। ब्रह्म विवर्त पुराण में भी यह वर्णन किया गया, प्रश्न कर लिया, क्या कारण, क्या ये नंदी को तुमने देखा क्यों और नंदी ने तुमको देखा क्यों, क्या बात, क्या है? शंकर भगवान उस समय पर मौन होकर, मेरा देवाधिदेव महादेव त्रिकालदर्शी कालाधिपति मेरा विश्वनाथ मुस्कुरा दिया, बस हंसे, पर बोले कुछ नहीं। जब कोई प्रश्न बड़ा भारी होता है ना और कुछ अच्छा ही होता है ना तो मुस्कुराया जाता है। कभी कभी पति भी मोबाइल चलाते चलाते, भले वो बेचारा किसी से चैटिंग नहीं कर रहा, पर पत्नी ने कह दिया, तुम रोज लगे रहते हो चैटिंग में, किससे बात कर रहे हो, वो मुस्कुरा देता हूँ, वो मुस्कुराया, बस पत्नी समझ गई जरूर कोई बात है। सही बता दो मुझको, क्या बात है, जल्दी बताओ मेरे को, किससे चैटिंग चल रही थी? लाओ दो मैं मोबाइल मेरे को हाथ में। पति ने अपना मोबाइल भी दे दिया, ले, और किससे बात चल रही थी वो भी दिखा दिया। तो वो तो केवल व्हाट्सएप खोल के मैसेज देख रहा था, तो तुम मुस्कुरा क्यों रहे? कारण, अरे यहाँ कड़िया की रोटी बनाई का कड़िया की साल, और पर से माता पार्वती जी और पावे भोला नाथ मन शिव रटोरे, और छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। पार्वती जी ने पूछ लिया, आखिर बात क्या, क्या हुआ, क्या ऐसा कारण? शिवजी नहीं बोले। थोड़ी देर बाद माँ जगत जननी जल का पात्र लेकर आए, जो जल का पात्र लेकर माँ जगत जननी आई, शिवजी ने अपनी केश को, जटा को हाथ लगाया, ऊपर देखा, शंकर जी का एक चित्र, एक फोटो आपने देखा होगा जिसमें शिव जी ऊपर देख रहे, दोनों हाथ ऊपर। किसी ने दर्शन करें कभी शिव जी के एक फोटो का दर्शन करना, अगर ना करें हो तो कभी गूगल पर, नेट पर, चित्र में शिव के जटा ऊपर, गंगा और शंकर के नेत्र ऊपर दर्शन कर। पार्वती जी ने फिर प्रश्न कर लिया, मेरे एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया आपने, मेरा दूसरा प्रश्न है, मैं आपके लिए जल लेकर आई तो आपको ऊपर देखने की क्या जरूरत थी? अगर मैं जल लेकर आई हूं तो ये ऊपर देखने की क्या जरूरत, क्या ऐसा ऊपर? ऐसा है क्या? शिव जी ने कोई, कभी कभी उत्तर ना दिया जाए तो ही अच्छा। जब प्रश्न की ललकता
व्यक्ति के अंदर आ जाती है तो उत्तर पाने की चाह उसके अंदर बढ़ जाती है, उत्तर पाने की चाह उसके अंदर बढ़ जाती है। दो प्रश्न खड़े हो गए। पहला प्रश्न क्या है कि भोजन की थाली लगते ही नंदी को तुमने क्यों देखा और नंदी ने आपको क्यों देखा। दूसरा प्रश्न क्या है, भोजन के लिए जब मैं जल भर कर लाई हूं आपके पीने के लिए तो आपने ऊपर क्यों देखा, किस लिए देखा। और महाराज तीसरा प्रश्न, जब भोलेनाथ भोजन की थाली पे से उठ गए, जल पान कर कर उठ गए, जब मेरे शंकर भगवान जल पीकर भोजन की थाली पर से उठकर जब चले और बाहर जाकर केवल खड़े होकर मेरे भोलेनाथ ने कुछ देर नेत्र बंद करे, तब फिर माता पार्वती ने प्रश्न कर लिया कि मेरे नाथ अब ये तीसरा प्रश्न है आपके चरणों में कि आपने बाहर जाकर नेत्र बंद कर क्यों खड़े हो, कारण शंभु शरणे पड़ी मानू घड़ी घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन। तीन प्रश्न है और तीनों प्रश्न बड़े भारी हैं। तीनों प्रश्न बड़े भारी। शिवजी शयन में विश्राम करने के लिए मेरे भोलेनाथ जी बैठे थे, लेट रहे थे, तभी उसी समय पार्वती मैया आ गई। शिवजी के चरण के नीचे के तलवे को मेरी माता पार्वती जी ने हाथ लगाया, शंकर भगवान के पांव के तलवे में। बहुत बहुत ध्यान देना, ये शिवलिंग जलाधारी, ये जो चरण पे से जल नीचे गिर रहा है वो स्थान, बहुत बहुत ध्यान देना थोड़ा सा हो। ये शिवलिंग जलाधारी, यहां से जल अशोक सुंदरी के पास में से नीचे की ओर गिर रहा, ठीक है। बेलपत्र नहीं है आपके पास चढ़ाने के लिए, मत चढ़ा। जल नहीं है चढ़ाने के लिए, मत चढ़ा। अक्षत नहीं है चढ़ाने के लिए, मत चढ़ा। पुष्प नहीं है शिव जी को चढ़ाने के लिए, मत चढ़ा। शमी पत्र नहीं है, मत चढ़ा। पर किसी शिवालय में, किसी शंकर के मंदिर में अगर तुम गए हो, तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है, जो भी भगवान का दर्शन तुमने किया है, तो यहां से जो पानी नीचे गिरता है उस गिरने वाले स्थान पर मात्र अपने हाथ का तीन बार स्पर्श कर बाबा से दिल की बात कहकर आ जाओ तो मन की मुराद बाबा पूर्ण कर देता है, वो सहज प्रसंग है। माने मेरी माता पार्वती।